नमस्कार। वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर, देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। देश के 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग 7वें चरण में 5 बजे तक 58% मतदान। अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेस वे पर 2 सड़क हादसे, माता पिता की मृत्यु, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे अनाथ। वडोदरा में जगह जगह फायर ब्रिगेड की जांच, बिना जांच के सीलिंग पर व्यापारियों का आक्रोश। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम फेज के साथ ही लोकसभा चुनाव का मतदान आज पूरा हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में आज शनिवार 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग करवाई गई। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक दोपहर 5 बजे तक 58.34% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 69.89% वोटिंग पश्चिम बंगाल में और सबसे कम 48.86% वोटिंग बिहार में हुई है। 4 राज्यों की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की वोटिंग करवाई गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में वोट देने पहुंचे एक बुजुर्ग की पोलियो बूथ पर ही मृत्यु हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग की मृत्यु गर्मी की वजह से हुई। 7वें चरण में भी पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आई है। पश्चिम बंगाल के भामर में सीपीआई और आईसीएफ के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों पर बम से हमले का आरोप लगाया है। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने ट्वीट करके बताया कि जयनगर के बेनी महादवपुर स्कूल के पास सेक्टर ऑफिस से भीड़ ने रिजर्व ईवीएम और कागजात लूट लिए। 1 CU, 1 BU और 2 VVPAT मशीनों को तालाब में फेंक दिया गया। गुजरात अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर आज 2 सड़क हादसों की खबर सामने आई। अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेस वे पर वडोदरा के आजवा 4 रास्ता निकट सूरत से अहमदाबाद की ओर जाने वाली सड़क पर अज्ञात वाहन ने बाइक चालक को टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी की मृत्यु हो गई है, जबकि 2 बच्चों को गंभीर चोटें पहुंची हैं, जिनका SSG अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं 1 घंटे बाद यह हादसा देखने के लिए अहमदाबाद से सूरत जाने वाली सड़क पर एक चालक आयसर ट्रक बंद कर खड़ा था। उस दौरान बंद आयसर को पीछे से लग्जरी बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बस डिवाइडर कूद कर स्टूडियो की दीवार में घुस गई। इस हादसे में बस में सवार 7 से 8 यात्रियों को चोटें आई हैं। इस मामले ट्रैफिक ACP GI वसावा ने जानकारी दी। लगभग 5-1 बजे के आसपास सूरत थी अहमदाबाद जता रस्ते एक अजाण्या वाहने 2-व्हीलर ने टक्कर मारी हती, जेमा पति पत्नी नु मौत थयु छे अने एमना 2 बाळको हता। એ બાળકો સદનસીબે જીવે છે અને એ તમામને SSG હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા છે। એટલે અને પછી અમદાવાદથી સુરત તરફ જતા એ સમયે જે એક્સિડન્ટ હતો એને જોવા માટે આ જે ટેમ્પો આપ દેખી રહ્યા છો 407 એ જોવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા। એ દરમિયાન એ પોતે ડિવાઈડર પર ચડી એ જે ફેટલ થયું હતું એ જોવાની કોશિશ કરતા હતા। અમારી પોલીસની, ટ્રાફિકની અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમ ત્યાં હાજર જ હતી પણ અને રોડ ક્લિયર કરાવી રહ્યા હતા। એ દરમિયાન જે ટેમ્પો ચાલક હતા એ એક્સિડન્ટ ફેટલ જોવાની કોશિશ કરતા હશે અને એમનું જાણવા મળ્યું છે કે એમનો કાબૂ એમના પોતાના 407 વાહન પરથી જતો રહ્યા અને એ ડિવાઈડર પર ચડી ગયા, એટલે જે પાછળ આવતી લગ્ઝરી હતી એ પણ એને પણ એનું બેલેન્સ ગુમાવી દીધું અને આ આપ જુઓ છો એમ રેલિંગ તોડીને સામે લગ્ઝરીને પણ નુકસાન થયું છે। राजकोट अग्निकांड के बाद गुजरात सरकार द्वारा सभी शहरों में बिना सोचे समझे इमारतों को सील करने की शुरुआत कर दी गई है, जिसका वडोदरा में विरोध किया गया। राजकोट में घटे अग्निकांड को आज 8 दिन हो गए हैं। इन 8 दिनों में गुजरात सरकार ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए अब युद्ध स्तर पर एक्शन शुरू कर दिया है। सभी शहरों में फायर NOC की जांच हो रही है और बिना किसी पूछताछ की इमारत को सील किया जा रहा है। वडोदरा के सरदार भवन के खांचे में भी फायर NOC मामले चेकिंग की गई और कई दुकानों को सील किया गया। इस मामले व्यापारियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सड़क रोकते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
આપણે ઇન્ડિયાને સારું કરીશું તો આવું કેમ? કાલે નોટિસ મોકલીને આજે બંધ કરવાઈ ગયા. અમને સમય તો આપો, લોકોનું ઘર ચાલે છે આનાથી. અમે ખાલી એ જ વાત કહી રહ્યા છે. આજ સવારમાં 10 વાગ્યાથી આ લોકો સીલ મારવાના ચાલુ કર્યા છે. એની માટે એ લોકોએ કોઈ નોટિસ નથી આપી અમને, એ લોકો પાસે કોઈ રિટર્ન લેટર નથી, અને જેમ ફાવે એમ દાદાગીરી કરતા આ લોકો સીલો મારતા ચાલુ થયા છે, અને હજી બી એ જ કાર્યવાહી ચાલુ છે. લોકો પાર્કિંગનું કંઈક કાઢે છે, અને એ લોકો માટે બી હા, અને આખી સિટી એરિયાની અંદર લગભગ 5000 દુકાનો છે, અને એવું કોઈ પાર્કિંગની જગ્યા મને તમે સિટી એરિયામાં જણાવી દો કે ક્યાં મળતી હોય આ વસ્તુ. નાની નાની દુકાનો, નાના નાના કોમ્પ્લેક્સમાં કોઈ પાર્કિંગ આ શક્યતા નથી. દેશભર મેં ચલ રહે લોકસભા ચુનાવ કા આજ 7વા ઓર આખરી ફેઝ હૈ, જિસમે 57 સીટો પર મતદાન હો રહા હૈ. લોકસભા ચુનાવ 2024 કે 7વે ઓર અંતિમ ફેઝ મેં આજ શનિવાર 1 જૂન કો 7 રાજ્ય ઓર 1 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ કી 57 સીટો પર વોટિંગ જારી હૈ. ચુનાવ આયોગ કે વોટર ટર્નઆઉટ એપ કે મુતાબિક સુબહ 11 બજે તક કરીબ 20% वोटिंग दर्ज हो चुकी है. सातवें चरण में पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें भी सामने आई है. पश्चिम बंगाल के भांगर में सीपीआईएम और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों पर बम से हमले करने का आरोप लगाया है. वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने ट्वीट करके बताया कि जयनगर के बैनी माधवपुर स्कूल के पास सेक्टर ऑफिसर से भीड़ ने रिजर्व ईवीएम और कागजात लूट लिए. एक सीयू, एक बीयू और 2 वीवीपैट मशीनों को तालाब में भी फेंक दिया गया. 2019 के लोकसभा चुनाव में 57 सीटों में से सबसे ज्यादा भाजपा के पास 25, टीएमसी के पास 9, बीजेडी के पास 4, जेडीयू के पास और अपना दल एस के पास 2, जेएम के पास 1 सीट 2019 में आई थी. कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर 2019 में जीत मिली थी. इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 केंद्रीय मंत्री आर के सिंह, अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, महेंद्रनाथ पांडे और पंकज चौधरी मैदान में हैं. वहीं 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं. इनके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. गुजरात के वडोदरा में स्मार्ट मीटर मामले लोगों की समस्याओं की सुनवाई के लिए गुजरात इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स एसोसिएशन की सुनवाई आयोजित की गई. स्मार्ट मीटर से बिल ज्यादा आता होने की शिकायत पिछले कई दिनों से पूरे गुजरात में सामने आ रही है. इस मामले वडोदरा वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कार्यालय में गुजरात इलेक्ट्रिसिटी यूजर संगठन द्वारा सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नागरिकों ने अपनी समस्याएं संगठन को बताई. लोगों ने इस सुनवाई में स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए पुराना मीटर ही लगाकर देने की मांग की. इलेक्ट्रिकल यूजर द्वारा आज वडोदरा खाते स्मार्ट मीटर जे लगावामां आवे छे ते मीटर तात्कालिक धोरणेથી હટાવવા માટે અને તેની જે ગેરરીતિઓ છે એમાં જે ખોટ થાય છે એ બાબતની ચર્ચા વિચારણા હતી. વડોદરા શહેરના વરિષ્ઠ આગેવાનો અને ઇલેક્ટ્રિક વાપરતા યુઝરોની અહીંયા મીટિંગ થઈ, એમાં મને પણ એક આમંત્રણ હતું. અત્યારે પોતાની આપવીતી સુનાવતા આજે સ્માર્ટ મીટરો જે લોકોના ઘરે લાગ્યા છે એમાં કેટલાક લોકોને આજે એક જ મહિનાની અંદર જ્યારે સામાન્ય મીટરમાં 1500 રૂપિયા મીટર બિલ આવતું હોય ત્યારે આજે 4500-5000 રૂપિયાના જે કૌભાંડ બહાર આવ્યા છે ને એની અંદર મીટર આવે છે એ રિચાર્જ પૂરું થઈ જાય છે ત્યારે તમામ વડોદરાના રહીશોનો વિરોધ છે. અને આ વિરોધ તાત્કાલિક અસરથી આ મીટરો ઉતારી લેવાની તમામ લોકોની માંગણીઓ છે. ઓલ ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝર્સ એસોસિએશન દ્વારા આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જેવી રીતે સ્માર્ટ મીટર લગાવવામાં આવ્યો હતો અને લોકોનો રોષ હતો, એને વાચા આપવા માટે અમે લોકોએ અહીં લોક સુનાવણીનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે, જ્યાં વિવિધ આખા વડોદરા શહેરથી લોકો આવવાના છે એમના મંતવ્ય આપવા માટે. આ સ્માર્ટ મીટર્સ શું છે અને એમને લગાવવાનું જોઈએ કે નહીં લેવું જોઈએ અને જે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ખાનગીકરણ થઈ રહ્યો છે એના માટે આપણે કરી રહ્યા છે. આપણે જાણીએ છીએ કે સ્માર્ટ મીટર એકમાત્ર જે ઇલેક્ટ્રિસિટી એમેન્ડમેન્ટ બિલ 2022 છે એનો એક નાનકડો અંશ છે, અને આપણે જોયા છે કે લોકો કેટલા રોષમાં છે એના કારણે લોકોના ઘરમાં બિલ વધી ગયા છે અને લોકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. લોકો રોજ કમાવે છે, રોજ ખાવે છે, તો એ કેવી રીતે ચાલશે? અને આ તો માત્ર કુછ પૂંજીપતિઓને ફાયદા કરવા માટે આ જે નીતિ છે એ લઈને આવી રહ્યા છે એના અને લોકોને હેરાનગી કરવા માટે આવી રહ્યા છે. ન્યૂઝરૂમ સે ખબરો કા સિલસિલા લગાતાર જારી રહેગા. બને રહીએ અમારે સાથે, દેખતે રહીએ VNM ન્યૂઝ. पंखा कम वोल्टेज में कम हवा. स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात.
वेलकम टू कोर्टयार्ड पैलेडियम 3 BHK लार्ज साइज अपार्टमेंट्स जहां तुमने मर से ग्रैंड लिविंग रूम विद एन अमेजिंग व्यू साथ एक कंफर्टेबल डाइनिंग एरिया अ परफेक्ट किचन फॉर योर परफेक्ट फैमिली नाउ 3 bedrooms लो पहला बेडरूम विद एन अमेजिंग बालकनी व्यू साथ द सेकंड बेडरूम विच इज वेरी कंफर्टेबल वेरी कोजी एंड हैज एम्पल ऑफ सनलाइट एंड नाउ फॉर द थर्ड एंड द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस दिस इज सो अमेजिंग So grand and so beautiful. Best part of apartments ni hai chahiye kya tumne mera se walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhiley. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई क्यों ना हम साथ चले साथ चले साथ बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर आपका जॉय भारत का जॉय ठीक से साफ करो ऊपर ऊपर से नहीं BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग इसको साफ करके क्या फायदा इतनी बेइज्जती स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस जो बोरिंग लुकिंग नहीं वेरी स्टाइलिश लुकिंग है RR सिग्नेचर फैंस आपके काम की बात वेलकम टू कोर्टयार्ड पैलेडियम 3 BHK लार्ज साइज अपार्टमेंट्स या तुमने मर से ग्रैंड लिविंग रूम विद एन अमेजिंग व्यू साथ एक कंफर्टेबल डाइनिंग एरिया A perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms lo pehla bedroom with an amazing balcony view. Saath the second bedroom, which is very comfortable, very cozy, and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house, this is so amazing, so grand, and so beautiful. Best wada apartments ni hai chahiye kya tumne mera se walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhiley. Don't forget to visit. Bharat le raha hai electric angdai. You know hum saath chale, saath chale, saath badhe, saath badhe. भारतीय समाज में अब ऑर्गन डोनेशन पर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और लोग यह समझने लगे हैं कि मरने के बाद भी किसी को जिंदा रखना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जब 21 साल के बेटे के ब्रेन डेड होने की खबर माता पिता को मिली होगी तो उन पर क्या गुजरी होगी यह सोचना भी मुश्किल है। कुछ ऐसा ही वडोदरा के रनोली में रहने वाले व्यास परिवार के साथ हुआ, जहां एक सड़क हादसे में 21 साल के बेटे अनुराग व्यास को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। अकोटा के वाइटल अस्पताल में अनुराग का इलाज चल रहा था और ब्रेन डेड अनुराग व्यास के माता पिता ने 2 किडनी लीवर जैसे अंग डोनेट कर कई लोगों को नया जीवन दिया है। इस मौके पर अनुराग व्यास के माता पिता ने कहा कि हमारा बेटा तो नहीं रहा है, लेकिन उसके अंगों से दूसरों की जान बचाई जा सकती है। युवा बेटे को गंवाने वाले माता पिता ने कहा कि दूसरों के शरीर में हमारा बेटा जिंदा रहेगा। हम लोग जो है वो एक कबीर पंथ संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़े हुए हैं और उनका समाज कल्याण के अंदर उनका बहुत बड़ा मोटो है कि हमारा जीते जी तो हम भक्ति करते मरने के बाद हमारा जो है वो चला जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त के अंदर हमारी जो बॉडी है वो किसी ना किसी को ज़िंदगी दे के जाए
वही उन्होंने हमें मैसेज दिया हुआ है, तो हम उनके हिसाब से सर काम कर रहे हैं। और जो लड़का था वो भी डीओटी था उनका, और उनके पेरेंट्स भी उनके अनुयायी है, तो सर उन्होंने ही उन लोगों ने डिसीजन लिया हुआ है। और उसके बदौलत इन लोगों ने भी बताया कि हम यहाँ पर ऑर्गन डोनेट करते हैं, तो हमको अच्छा लगा कि चलो हमारा जो मोटो है वो भी कामयाब होगा और हमारा भी अच्छा रहेगा। चलो बच्चे का जो, चलो बच्चा तो नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चार लोगों को ज़िंदगी दे के जा रहा है और हमारा जो मोटो है वो यहाँ पे सर कामयाब हो रहा है। सर सर हमारा मैसेज वही है कि जो इतना अपने इत्मीनान रहे हैं कि ऑर्गन डोनेट करने से क्या है, लेकिन आप अपनी खुद की बात करने जाए, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की तो हमें क्या है कि जब इमरजेंसी जो रहती है ना सर, वो वही जानता है जिसको ज़रूरत है, तो हम वही मोटिवेट करते हैं कि आगे आओ, वैसे ही जल के राख हो जाने वाली है अपनी बॉडी और उनमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो अच्छा है कि अपनी जो राख होने के वाली जो जगह है उसके अच्छा है ना किसी के बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ना काम में लग जाए। तो अपना जो लड़का गया हुआ है उसका गम तो रहता ही है, लेकिन हमारे सामने उसकी जो ऑर्गन्स जो है जो डोनेट किए हुए हैं वो किसी के अंदर लगेंगे तो हमको फील होगा कि चलो हमारा ही बच्चा जो है वो किसी के जीते जी तो काम तो करके गया, लेकिन मरने के बाद बहुत अच्छा काम करके गया, चार लोगों को ज़िंदगी दे के गया। तो हमारा मोटो वही है कि आप आगे आओ और ये सब जो ऑर्गन डोनेट है वो करो, और हमारा जो मोटो है हमारे गुरु जी का वो भी वही है, तो उसके हिसाब से ही हमने किया हुआ है, तो आप भी ये हिसाब से इंसानियत के तौर पे ये करना बहुत ज़रूरी है, तो आप आगे आइए और ऑर्गन डोनेट ज़रूर करिए। हमारे पास एक पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आया था जिसका कि नाम अनुराग व्यास है। बच्चे का काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट हुआ था। हमारे न्यूरोसर्जन डॉक्टर जय पंड्या, उन्होंने सेम नाइट में पेशेंट को ऑपरेट किया विदाउट वेस्टिंग ए मोमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसकी चोट काफ़ी गंभीर थी इसलिए हम उसे बचा नहीं पाए। डॉक्टर जय पांड्या ये जानते थे कि यंग पेशेंट है और उसके ऑर्गन्स बहुमूल्य हैं, सो इस कारण से उन्होंने फैमिली को काउंसिल किया कि आपको इस नोबल कॉज में आगे आना चाहिए, और ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जिसके कि ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं वो लाभान्वित इससे हो सकें। सो इसी के चलते फैमिली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी शुरू से ही, हमें इतना ज़्यादा वर्क उनके ऊपर काउंसलिंग में नहीं करना पड़ा, वो सेल्फ मोटिवेटेड थे और आप बोल सकते हैं कि वो जागरूक नागरिक थे। सो रिलेटिव्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा इस सब में, डे वन से वो एग्री थे कि आप प्लीज़ गो अहेड, जो भी हो सकता है हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा तो नहीं रहा लेकिन जिनको भी इसके ऑर्गन्स जाएंगे कहीं ना कहीं हमारा बच्चा उस रूप में जीवित रहेगा। सो हमारा कोऑर्डिनेशन डायरेक्टली स्टार्ट हुआ सोटो और नोटो के साथ। सोटो और नोटो में डॉक्टर दीपाली और डॉक्टर प्रिया दोनों का हमें बहुत कोऑर्डिनेशन मिला क्योंकि ये हमारा फर्स्ट केस था, हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं था दोनों अथॉरिटीज़ में। उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, पूरा हैंड होल्डिंग किया। ये 6 to 7 hours का प्रोसेस था जिसमें कि पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके फास्ट ट्रैक उन्होंने हमें ये करके दिया जिससे कि हम रजिस्ट्री में पेशेंट को ले पाए हार्वेस्टिंग प्रोग्राम के लिए। इसके बाद मैं थैंक्स और भी बोलना चाहूँगा हमारे स्टाफ का, हमारे डॉक्टर्स का, जिन्होंने जो पेशेंट है उसको उस कंडीशन में मेंटेन रखा कि उसके ऑर्गन्स दूसरे लोगों के लिए काम में लाए जा सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही नोबल कॉज है और इसमें हम सभी को आगे आना चाहिए। गुजरात राज्य की फायर सेफ्टी देश भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस बीच अहमदाबाद का एक शहर ऐसा भी है जहां फायर ब्रिगेड की सुविधाएं शून्य ही दिखाई दे रही हैं। गुजरात अहमदाबाद यानी राज्य की आर्थिक राजधानी और अहमदाबाद का एक शहर जहां गुजरात ही नहीं देश भर के लोग आकर बसे हैं, लेकिन यहां फायर ब्रिगेड की सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। गुजरात राज्य में सानंद तेजी से आगे बढ़ता शहर है। यहाँ बड़े बड़े शोरूम इमारतें तो देखने को मिल रही हैं, लेकिन फायर स्टेशन के नाम पर यहाँ सिर्फ एक खस्ता हाल स्ट्रक्चर है। पिछले 10 सालों में फायर स्टेशन बन ही रहा है लेकिन अब तक यहाँ कोई सुविधाएं नहीं। यहाँ एक छोटा सा मिनी फाइटर दमकल दस्ता है जो 15 साल पुराना है।
जिसकी वजह से आग जैसी दुर्घटनाओं में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, सानंद नगर पालिका के पास कोई फायर ऑफिसर भी नहीं है और ना ही आग बुझाने के लिए कर्मचारी है। अहमदाबाद जिले का एक ऐसा तालुका सानंद तालुका है जो अहमदाबाद से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। वो गांव में एक फायर ब्रिगेड की कोई वहां पे सुविधा, प्राथमिक सुविधा नहीं है। फायर का एक स्ट्रक्चर बना के वहां पे रख दिया गया है, नहीं कोई फायर का स्टाफ है कि नहीं कोई फायर ऑफिसर है। तो वहां पे गांव में कोई आग लगेगी, आग की दुर्घटना बनेगी तो वो फायर ब्रिगेड कहाँ से आएगा, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। कमल सोनी, VNM TV, अहमदाबाद। गुजरात में राजकोट अग्निकांड के बाद फायर ब्रिगेड एक्शन में है। जहां तहां जांच के नाम पर इमारतों को सील किया जा रहा है, लेकिन अगर फायर स्टेशन ही ढंग का ना हो और अगर यहां कोई बड़ी दुर्घटना घटे तो शहर के लोगों को बचाने वाला कौन होगा, इस पर बड़ा सवालिया निशान है। गुजरात के वडोदरा में सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा फतेहपुरा में स्थित आश्रम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के फतेहपुरा में कृपाल आश्रम है, जहां सावन कुमार रूहानी मिशन द्वारा महान सूफी संत और शायर दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के 35वें बरसी भंडारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन गोधरा मुड़ासा अहमदाबाद में भी आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक एकत्रित हुए। फतेहपुरा में सुबह से दोपहर तक 4000 लोगों को निःशुल्क मिल्क रोज का वितरण किया गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिले। गुजरात के राजकोट अग्निकांड में दोषी पाए गए महानगरपालिका के कर्मचारियों को क्राइम ब्रांच हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही कर रही है। गुजरात के राजकोट के TRP गेम जोन में लगी भीषण आग में 27 लोग जलकर खाक हो गए थे। इस घटना के चलते राजकोट क्राइम ब्रांच द्वारा राजकोट कॉरपोरेशन के कई अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत महानगर पालिका के एक टाउन प्लानिंग ऑफिसर, दो असिस्टेंट टाउन प्लानिंग ऑफिसर और एक फायर ऑफिसर मिलकर 4 आरोपियों को राजकोट कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील द्वारा अग्निकांड जैसी भीषण घटना मामले इन सभी के रिमांड मांगे गए। कोर्ट ने चारों आरोपियों के 14 दिनों के रिमांड मंजूर किए हैं। आज कुल 4 आरोपियों ने रजू करवामां आव्या हता। 2 एक TPO सागठिया, 2 ATPO अने एक फायर ना ऑफिसर ने रजू करवामां आव्या हता। जे ऑफिसर, जे अधिकारीओनो रोल जोवामां आवे तो TPO द्वारा 2023 માં सदर बांधकाम गैरकायदेसर होवानुं जाणवा છતાં તે बांधकाम પાડી દેવાનું જણાવવા છતાં તે બાંધકામમાં કોઈ જ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ ન હતી, જે બાબતે તેમની વિશેષ પૂછપરછ કરવાની જરૂરિયાત છે। તેમજ જે આ આગજનીની ઘટના વેલ્ડિંગને કારણે બની, એવી જ આ પ્રકારની વેલ્ડિંગના કારણે જ અગાઉ આ જ શેડમાં 4/9/2023 રોજ આગ લાગવામાં આવી, આગ લાગી હતી અને ફાયર સ્ટેશનમાંથી ફાયર ઓફિસર સાથે ફાયરના એક્સ્ટિંગ્વિશર ગયા હતા અને તમામ આગને કાબૂમાં લેવામાં આવી હતી। તે ફાયર ઓફિસર દ્વારા પણ એક વખત 2023 આવી ઘટના આવા વેલ્ડિંગના કામે બનેલી હોવા છતાં ત્યારબાદ આજ દિવસ સુધી ક્યારેય સદર જગ્યા ઉપર ફાયર NOC લેવા કે દેવા બાબતની કોઈ જ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ ન હતી। એટલે કે કાયદાની જોગવાઈ મુજબ ઇલીગલ ઓમિશન છે એ પણ એક એક્ટ જ કહેવાય તે દલીલ કરી અને 14 દિવસના રિમાન્ડની માગણી કરવામાં આવી। એક વ્યક્તિ એક કૃત્ય કરે એ જ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ ગેરકાયદેસર કોઈ કૃત્ય ન કરે તે પણ એક કૃત્ય કર્યા સમાન છે। એટલે કે કોઈ વ્યક્તિને ફરજના ભાગરૂપે એક માણસને જમવાનું દેવું જોઈએ અને જમવાનું ન દે કોઈ અધિકારી તો એને ખ્યાલ છે કે જમવાનું ન દઈએ તો આ માણસનું મૃત્યુ થઈ શકે, તે એવા ઇલીગલ ઓમિશન ને પણ એક એક્ટની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે। ગુજરાત કે વડોદરામાં 8 કરોડ કી લાગત સે બરોડા ચેપ્ટર ઓફ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ્સ દ્વારા CMA ભવન બનાને કી શરૂઆત કી ગઈ હે। કોમર્સ મે પઢને વાલે છાત્રો કો CMA કે રૂપ મે પ્રોફેશનલ કરિયર બનાને में सहूलियत देने के लिए बड़ौदा चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स और वाइब्रेंट गुजरात अंतर्गत गुजरात सरकार के साथ MOU किया गया है, जिसके तहत आने वाले 2 साल में वासना भाईली इलाके में 8 करोड़ के खर्च से CMA भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन आज किया गया। इस मौके पर ICMAI के प्रेसिडेंट CMA अश्विन दलवाड़ी समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस भवन के निर्माण से वडोदरा और देश भर के छात्र जो CMA बनना चाहते हैं उन्हें काफी सुविधा मिलेगी। आज ना शुभ दिवस है, बड़ौदा चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स
ની નવી જગ્યાનું શુભ મુહૂર્ત થયું છે તે બદલ હું ગુજરાતના અને વડોદરાના ખાસ કરીને વડોદરાના બધા કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ મિત્રોને મારી શુભકામનાઓ આપું છું. આજરોજ વાસના ભાઈલી ખાતે બહોળા ચેપ્ટર કોસ્ટ એકાઉન્ટનું સીએમએ ભવનનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે અને આ ખાતમુહૂર્ત અમારી જોડે બહોળા ચેપ્ટર કમિટીના વંદિતભાઈ ત્રિવેદી, મોહિત નાગદેવ, અનુજ પાઠક, અમૃતા વ્યાસ, ચેરમેન પ્રિયાંક વ્યાસ બધા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. દિલ્હીથી અમારા પ્રેસિડેન્ટ દલવાડી સર આવ્યા હતા જે અમદાવાદ રહે છે, તથા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કમિટીના ચેરમેન એમ કે આનંદ સર અને નીરજ જોશી સર અહીંયા પધાર્યા હતા સ્પેશિયલ આ ખાતમુહૂર્ત માટે. બહોળા ચેપ્ટરની હિસ્ટ્રી કહું તો બહોળા ચેપ્ટર ગુજરાતનું સૌથી જૂનામાં જૂનું ચેપ્ટર છે જેને 55 વર્ષ પત્યા છે અને બહોળા ચેપ્ટરમાં 500થી વધારે મેમ્બર અને 2000થી વધારે સ્ટુડન્ટ છે. અને બહોળા ચેપ્ટર આ જે ભવનનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે એ 2 વર્ષમાં અહીંયા બહોળા ખાતે વાસના ખાતે ભવનનું નિર્માણ થઈ જશે જેવી અમે આશા રાખીએ છીએ. खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM News. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel. Your one-stop electric goods solutions provider. Every new year we take a new year resolution. New year resolution ka matlab hota hai upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है. भैया? काफी हॉट है. कोने-कोने में हवा नहीं पहुंच रही. Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades. जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution ka matlab hota hai upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
गुजरात के दाहोद में एनए के नकली ऑर्डर बनाकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले सरकारी कार्यालय के एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। दाहोद में एनए के नकली ऑर्डर बनाकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले सरकारी कार्यालय में दलाली करने वाले शैशव परिक और हारून पटेल के खिलाफ डीडीओ के चिटनिस और प्रांत अधिकारी दाहोद ने शिकायत की थी, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी खेती की जमीन के नकली एनए ऑर्डर बनाकर प्लॉटिंग कर बेच देते थे, जिस पर कानूनी कार्यवाही की गई है। दाहोद टाउन ए डिवीजन पुलिस स्टेशन और दाहोद टाउन बी डिवीजन पुलिस स्टेशन, दोनों में एक एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। बी डिवीजन में कल रात को और ए डिवीजन में आज मॉर्निंग में। दोनों की मॉडस ऑपरेंडी सेम प्रकार की है। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका नॉन एग्रीकल लैंड एनए का डुप्लीकेट हुक्म बना है, और दोनों में फरियादी गवर्नमेंट की ओर से, डीडीओ की साहब की ओर से इंचार्ज चिटनीस और कलेक्टर साहब की ओर से एसडीएम साहब फरियादी बने। दोनों में जो लैंड है उसका बोगस एनए करके उसका प्लॉटिंग करके अलग अलग लोगों को बेचा गया है, और बेचने की तजवीज अभी भी जारी है। उसके लिए हमें अर्जी मिली थी, एप्लीकेशन, उसकी हमने प्राथमिक जाँच की और जाँच का जो रिपोर्ट निकला उसमें ऐसा प्रस्तावित हुआ कि जो हुक्म है एनए का, जो जवाब नंबर का, जो डॉक्यूमेंट वाला, वो हमने वेरीफाई करवाया असली कचहरी में, तो ऐसा कोई हुक्म बनाया नहीं था। तो प्राथमिक तौर पर ऐसा लगा कि प्रीमियम ना भरना पड़े, प्रीमियम की चोरी करने के लिए ये पूरी की तरकीब रची गई हो, ऐसा दिखता है। दोनों में आरोपी है उसमें एक कॉमन आरोपी है शैशव परिक, और अलग अलग आरोपी है एक जकरिया मोहम्मद टेलर और एक हारून पटेल, और दोनों में कॉमन आरोपी शैशव परिक करके, जो अभी प्राथमिक जाँच में मेन कल्प्रिट हो ऐसा लग रहा है। और दो नाम भी हमें मिले हैं जिसकी जाँच हम आगे कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से वो भी कहना चाहते हैं कि दाहोद में ऐसा कोई अगर लैंड का मामला आपके सामने आता है तो आप इसके लिए हमारे कचहरी पे, डीडीओ साहब की कचहरी पे या डीएम साहब की कचहरी पे जाके इसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ताकि उसकी प्राथमिक जांच करके जो भी तथ्य सामने आए उसके मुताबिक हम कायदेसी कार्रवाई कर सकें। गुजरात के राजकोट दुर्घटना में मारे गए लोगों को मणिनगर गादी संस्थान के आचार्य ने संतों के साथ मांडवी के समुद्र किनारे श्रद्धांजलि दी। गुजरात के भूज के केरा में संपन्न हुए स्वामीनारायण मंदिर के पाटोत्सव महोत्सव के समापन के बाद गादी संस्थान के आचार्य जितेंद्र राय प्रियदास जी स्वामी समेत के संत और हजारों हरिभक्तों ने कच्छ के अरबी समुद्र में मांडवी के समुद्र किनारे पर राजकोट के टीआरपी गेम जोन दुर्घटना में मारे गए सदगतों के आत्मा की दिव्य शांति की प्रार्थना की और यहाँ पंचदेवों की साक्षी में श्रद्धांजलि अर्पण की। राजकोट के टीआरपी गेम जोन के अग्निकांड ने देश भर को हिला के रख दिया है। इसी बीच कच्छ के समंदर किनारे सदगतों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। आओ ये पवित्र स्थल के ज्या श्री स्वामीनारायण गादी ना श्रेष्ठ आचार्य ज्ञान महोदधि परम पूज्य आचार्य श्री जितेंद्रिय प्रियदाजी स्वामी जी महाराज, मोटी संख्या में पूजनीय संतो अने देश विदेश ना हरिभक्तो आज अहीं मांडवी आ बीच पर दरिया किनारे पधार्या छे अने ए गुरुदेव मुक्त जीवन स्वामी बापा नु जे समुद्र स्नान सुवर्ण स्मृति ए प्रसंगे आज आपणे जोईए छीए प्रमाणे के दरियो पण एटलो बधो घेलो बन्यो छे के गुरुदेव मुक्त जीवन स्वामी बापा पधार्या हता, जे आनंद हतो एवो ने एवो आनंद अत्यारे पण मुक्त जीवन स्वामी बापा ने पंचामृत थी परम पूज्य आचार्य स्वामी जी महाराज स्नान करावशे अने आरती पण करशे, महिमा गान पण गावामां आव्यु अने आज सवारथी खूब उत्साह थी बधा नाना मोटा आबालवृद्ध बधाए ए शिबिरमां लाभ लई अने खूब खूब भगवानी प्रसन्नता प्राप्त करी छे। साथे साथे आजे बहु मोटी संख्यामां हरिभक्तो अने संतो परम पूज्य आचार्य स्वामी जी महाराज पधार्या छे। मॉनसून अब कुछ ही दिन दूर है, ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में कॉर्पोरेशन द्वारा सफाई अभियान शुरू कर शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम छेड़ी गई है। वहीं वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉ. शीतल मिस्त्री की अगुवाई में वारसिया में प्रेम प्रकाश आश्रम और बालाजी आश्रम में सफाई अभियान को अंजाम दिया गया। 15 दिन वडोदरा शहर की अलग अलग ऐतिहासिक, धार्मिक और सार्वजनिक जगहों की सफाई कर वडोदरा शहर को स्वच्छ करने का अभियान स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉ. शीतल मिस्त्री की अगुवाई में शुरू किया गया है, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गुजरात ना शहरी विकास अने अर्बन मंत्रालय द्वारा निर्मल गुजरात 2 अंतर्गत 15 दिवस 1 जून थी लेने 15 जून सुधी एक व्यापक स्वच्छता झुंबेश नो आरंभ करवामां आव्यो छे। वडोदरा महानगर में पण आजे 1 जूने प्रथम दिवस है, खास करीने आजे धार्मिक स्थानों, संग्रहालयों, म्यूजियम
વગેરેની સફાઈ કરવાનો દિવસ છે. આજે વોર્ડ નંબર 6ના વારસિયા વિસ્તારમાં પ્રેમ પ્રકાશ આશ્રમ કે જે સિંધી સમાજનું આસ્થાનું કેન્દ્ર છે એની આસપાસના વિસ્તારની સફાઈ ઝુંબેશ હાથ ધરી છે. એવી જ રીતે 1-15 તારીખ સુધી અલગ અલગ વિસ્તારોમાં અલગ અલગ સ્થાનો પર સાફ સફાઈ કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને મેં કીધું એમ કે ધાર્મિક સ્થાનો, સંગ્રહાલયો, આર્કિયોલોજીકલ સાઇટ, વડોદરાના તમામ એન્ટ્રી રોડ, ઓવરબ્રિજ, અંડરબ્રિજ, તમામ વસાહતો, નગરો, મુખ્ય રસ્તાઓ, બાગ બગીચાઓ અને માર્કેટ, ટેક્સી સ્ટેન્ડ, રેલવે સ્ટેશન, બસ સ્ટોપ, આ અલગ અલગ વિસ્તારોની સાફ સફાઈ કરવામાં આવશે. એવી જ રીતે વોટર બોડી, ખાસ કરીને કાસ છે, તળાવો છે, એની પણ સાફ સફાઈ કરવામાં આવશે. એટલે સાફ સફાઈમાં અલગ અલગ ક્ષેત્ર, ખાસ કરીને સરકારી ઓફિસો, પીએચસી, સીએચસી, ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલો, આ તમામની સફાઈ કરવામાં આવશે. 5 જૂને પર્યાવરણ દિવસ છે, વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ છે, જેમાં ટ્રી પ્લાન્ટેશનનું વિશેષ મહત્ત્વ અમે લોકોને સમજાવીશું અને ટ્રી પ્લાન્ટેશનનો ડ્રાઈવ કરીશું. એવી જ રીતે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક બેન માટે લોકોમાં જાગૃતતા ફેલાવવાનું પણ કામ કરવામાં આવશે. ગુજરાત કે વડોદરા શહેરમાં નિર્મલ ગુજરાત 2.0 અંતર્ગત 1 જૂન સે 15 જૂન તક સઘન સફાઈ અભિયાન શરૂ કિયા ગયા હૈ, જિસકે તહેત વડોદરા કે અલગ અલગ ધાર્મિક, ઐતિહાસિક ઓર સાર્વજનિક સ્થળો કી સફાઈ કી જા રહી હૈ. આજ સે નિર્મલ ગુજરાત અભિયાન કી વડોદરા કે અલગ અલગ વોર્ડ મેં શરૂઆત કી ગઈ હૈ. આજ પહેલે દિન કઈ ધાર્મિક જગહો કી સાફ સફાઈ વોર્ડ ઓફિસર ઓર સ્થાનીય નગરસેવકો કી સહાયતા સે કી ગઈ. ગુજરાત કે વડોદરા કે ગોત્રી મેં સ્થિત હનુમાન મંદિર મેં સ્થાનીય કાઉન્સિલર નરસિંહ ચૌહાણ કે ઉપસ્થિતિ મેં સાફ સફાઈ અભિયાન કો અંજામ દિયા ગયા. આજ રોજ તારીખ 1-15 આખું પખવાડિયું નિર્મળ ગુજરાત સફાઈ અભિયાન હાથ ધરાયું છે, જેમાં બ્રિજ, મુખ્ય રસ્તાઓ, મંદિરો, 4 રસ્તાઓ, તમામ જગ્યાએ સફાઈ અભિયાન હાથ ધરાયું છે. વોર્ડના સુરેશભાઈ પટેલ તેમજ રાઠવાભાઈ, નિલેશભાઈ તેમજ તેની આખી ટીમ તેમજ અલગ અલગ એનજીઓ અને પ્રજાના સાથ સહકારથી આ સફાઈ હાથ ધરાયું છે. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ, સૌનો પ્રયાસ. વડોદરા કે પ્રતાપનગર મેં ઐતિહાસિક શનિ મંદિર હૈ, જહાં ભી આજ કોર્પોરેશન દ્વારા સાફ સફાઈ કો અંજામ દિયા ગયા. નિર્મળ ગુજરાત 2.0 અભિયાન કે તહેત આજ વડોદરા શહેર કે ધાર્મિક સ્થળો કી સફાઈ સે ઇસ અભિયાન કી શરૂઆત કી ગઈ હૈ, જિસકે તહેત પ્રતાપનગર કે શનિદેવ મંદિર કી ભી સફાઈ કી ગઈ. રાજકોટ મેં ઘટે અગ્નિકાંડ કે બાદ સમૂચે ગુજરાત મેં દમકલ વિભાગ હરકત મેં હૈ. એસી હી કાર્યવાહી અમરેલી કે ધારી મેં ભી દેખી જા રહી હૈ. समूचे गुजरात में इन दिनों वन विभाग का एक्शन देखने मिल रहा है. गुजरात के अमरेली के धारी में भी प्रशासन द्वारा धारी के कृष्णा कॉम्प्लेक्स और रॉयल प्लाजा बिल्डिंग में फायर एनओसी की जांच की गई. यहां फायर एनओसी नहीं होने पर नोटिस देकर बिल्डिंग को सील कर दिया गया. इस मौके पर प्रशासन के मामलादार, धारी पुलिस इंस्पेक्टर, अमरेली के फायर विभाग के अधिकारी गढ़वी समेत के कई अधिकारी मौजूद रहे. धारी की सभी बिल्डिंग में राजकोट के अग्निकांड के बाद चेकिंग चल रही है. जहां भी फायर एनओसी नहीं है वहां इमारतों को सील कर ठोस कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है. वहीं कई जगह फायर एनओसी की पूछताछ के बिना और बिना नोटिस के भी इमारतें सील करने की घटनाएं सामने आ रही है. अमरेली जिला ना धारी मुकाम खाते फायर सेफ्टी की सुविधा ना अभाव ना कारण जे कोई क्राइटेरिया में आता કોમ્પ્લેક્સ હતા તે કોમ્પ્લેક્સની વિઝિટ કરી પોલીસ વિભાગ, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તરફથી મામલતદારશ્રી અને સમગ્ર ટીમ દ્વારા આ કોમ્પ્લેક્સોને નોટિસની બજવણી કરી અને જો ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા હાથ ધરવામાં નહીં આવે તો સીલિંગ પ્રક્રિયા હાથ ધરવા બાબતે કાર્યવાહી આજે હાથ ધરવામાં આવેલી હતી. वही अमरेली के गीर वन विभाग धारी अंतर्गत आने वाले जसाधार रेंज के नवा मंदिर राउंड की जमीन में बिना वन विभाग की अनुमति के बिन खेती उपयोग शुरू कर दिया गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर तत्काल असर से इस यूनिट को बंद करा दिया गया है. श्री कलेक्टर साहब गीर सोमनाथ ना तारीख 21-5-2024 ना पत्र थी नायब वन संरक्षक श्री धारी ने लिखित में आपेल सूचना मुजब ગીરવેડા તાલુકાના વડવીયાળા ગામે આવેલ સર્વે નંબર 237 પૈકી 3 પૈકી 2માં આવેલ નીલકંઠ ડિહાઇડ્રેશન પ્રણાલી યુનિટ જે ઓનિયન ડિહાઇડ્રેશનનું ઉત્પાદન કરે છે અને આ જમીન
ની સક્ષમ અધિકારી સાથે બિન ખેતીની મંજૂરી લીધેલ નથી, તેમજ આ જે જમીન છે તે ગીર અભયારણ્યની હદથી 10 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનમાં આવતી હોય અને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનમાં આવતી આવા ઔદ્યોગિક એકમોએ વન વિભાગનું NOC મેળવવાનું રહેતું હોય, જે મેળવેલ ન હોવાથી આ એકમ બંધ અને સીલ કરવા માટે સૂચના મળતા આરએફઓ શ્રી જસાધાર તેમજ હું મામલતદાર શ્રી ગઢડા પીર ગઢડા દ્વારા સંયુક્ત રીતે આ યુનિટ ઉપર આવી પંચો અને વન વિભાગના કર્મચારીઓની હાજરીમાં આ જે યુનિટ છે એને લોક કરી અને યોગ્ય રીતે સીલિંગ કરવામાં આવેલ છે. गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में तांत्रिक विधि के नाम पर वन्य जीवों की बिक्री की फिराक में घूम रहे गिरोह को नकली ग्राहक बनकर पकड़ लिया गया. कई बार तांत्रिक विधि में तांत्रिक जंगली चूहों का भी इस्तेमाल करते हैं. ऐसे ही दो जंगली चूहों को बेचने की फिराक में घूम रहे गिरोह को पकड़ने में गुजरात प्राणी क्रूरता निवारण संस्था को सफलता मिली है. गुजरात प्राणी क्रूरता निवारण के सदस्य ने नकली ग्राहक बनकर 10 लाख में 2 जंगली चूहों का सौदा किया था. इस मामले सावली पुलिस फॉरेस्ट विभाग और प्राणी क्रूरता टीम के संयुक्त ऑपरेशन में तांत्रिक विधि में इस्तेमाल लाए जाते 2 जंगली चूहों को भी बरामद किया गया है. इस छापेमारी में 5 मोबाइल 2 बाइक समेत 2 अहमदाबाद के 2 सावली के और 1 आणंद के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है. છેલ્લા 1 અઠવાડિયા કરતાં વધુથી અમારી એક રેકી ચાલતી હતી. અમુક કિસ્સામાં જે તાંત્રિક વિધિ કરતા હોય છે એવા વ્યક્તિઓ અમારા સંપર્કમાં આવ્યા હતા અને હું ગુજરાત પાણી કુતા એટલે કે GSBC માં હું વોરંટીન છું સાવલીમાં. તો એ લોકો મારી પાસે આવેલા, એમને ખબર નહીં કે હું વોરંટીન છું અને મને માહિતી આપેલ કે અમારી પાસે કાંટા છે રહ્યું કે એટલે વન્ય પ્રાણી ઉંદર કહેવામાં આવે છે. એની તાંત્રિક વિધિ આવો કરતા હોય છે એટલે એમની સાથે મેં થોડી મિત્રતા કરી અને આગળની કાર્યવાહી કરી કે ભાઈ શું કઈ રીતે આપવાની છે. તો એ લોકો સાથે મારા અઠવાડિયાથી વાત ચાલતી હતી અને 10 લાખમાં મેં એની સાથે સોદો કર્યો હતો અને મારે એને આજે ખરીદવા હતા. એટલે કે અમદાવાદ કોઈ ગામ છે, બહુ એકચ્યુઅલી મને ખબર નથી કયું ગામ છે, પણ અમદાવાદથી એ લોકોને મેં 5 ડિસેમ્બરને સાવલી ખાતે બોલાવ્યા હતા અને એ કાંટા શેરી જે ઉંદર જે કહેવામાં આવે છે, વન્ય પ્રાણીમાં આવે છે, સિલ્યુ 2માં આવે છે, એ મને બતાવ્યું. એટલે મેં મારી ફોરેસ્ટની મદદ માગી હતી, મારા GSPCના અમારા અધ્યક્ષ જે રમેશભાઈ છે એમની મદદ માગી હતી અને સ્થાનિક પોલીસ આ તમામની મદદ માગી હતી અને આજે 5 ડિસેમ્બર જે છે તેઓને મેં ઝડપી પાડ્યા છે અને ફોરેસ્ટ ખાતાને સોંપ્યા છે. હાલ ફોરેસ્ટ ખાતે એના વિશે તપાસ કરી દીધી છે કે અગાઉ આવા ઉંદર કેટલા વેચ્યા છે, કોને કોને લોકોએ ઉલ્લુ બનાવ્યા છે, તાંતિ વિધિ માટે કેટલા જીવોને લોકોએ માર્યા છે, એ સંપૂર્ણ તપાસ સાવલીના ફોરેસ્ટ ઓફિસર જે કિંજલ મેડમ છે એ હાલ કરી રહ્યા છે. गुजरात के वडोदरा के जाने माने गरबा आयोजक और उद्योगपति जयेश ठक्कर ने अपने जन्मदिन के मौके पर वडोदरा के कमाटी बाग को एक खास भेंट दी है. गुजरात के वडोदरा शहर को महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ ने कमाटी बाग के रूप में एक उम्दा भेंट दी है, जहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में सैलानियों की आवाजाही रहती है. यहाँ प्राणी संग्रहालय में कई पशु पक्षियों को रखा गया है. ऐसे में कमाटी बाग की सेवा में वडोदरा के जाने माने गरबा आयोजक और उद्योगपति जयेश ठक्कर ने अपने जन्मदिन के मौके पर सयाजीबाग को मर्क्यूरी ईवीटेक कंपनी की इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक लोडर टेम्पो भेंट स्वरूप दिए हैं, जिससे जू प्रबंधन को उनकी कई तरह की कार्यवाही में सहूलियत होगी. यह वाहन इलेक्ट्रिक होने की वजह से प्रदूषण भी नहीं फैलाएंगे. वडोदरा के साथ साथ राजकोट, अहमदाबाद और सूरत के प्राणी संग्रहालय को भी यह वाहन भेंट दिए गए हैं. इस मौके पर उद्योगपति जयेश ठक्कर ने खुशी जताई. आज मेरे जन्मदिन पर कुछ अच्छा करने का मैं काफी टाइम से सोच रहा था, फिर मैंने यहाँ के कमाटी बाग के मिस्टर पाटंगर जी का कांटेक्ट किया ईमेल के थ्रू और मैंने मेरी विश व्यक्त की. भारत देश में और विश्व में अपना कमाटी बाग बहुत ही प्रचलित है, तो उसके लिए मुझे विचार आया कि पशुओं के और प्राणियों के लिए जो उनका फूड ले जाने के और लाने के लिए मेरा जो एक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल का फैक्ट्री है, उसमें हम 3-व्हीलर लोडर बनाते हैं, पैसेंजर व्हीकल भी बनाते हैं और अपने लोक लाडीला नेता श्री नरेंद्र भाई का भी एक दिवा स्वप्न है कि इंडिया को ग्रीन फ्री करना है, प्रदूषण मुक्त करना है. उस बाग के तहत मुझे विचार आया कि कमाटी बाग में मुझे 2 व्हीकल देना चाहिए, तो मैंने एक लोडर जो पशुओं के लिए खाना ले जाने के लिए आने के लिए और एक पैसेंजर व्हीकल दिया स्टाफ के लिए
और पूरे गुजरात में चार जुमे, एक राजकोट में दिया है, सूरत में भी दिया है और अहमदाबाद में दिया है। और मैं इस चीज को म्यूनिसिपल कमिश्नर और पाटनगर साहब का खूब खूब आभारी हूँ। जयेश ठक्कर के जन्मदिन पर मक्यूरी ईवी टेक कंपनी के एनवायरमेंट फ्रेंडली वाहन पाकर कमाटीबाग के जू क्यूरेटर प्रत्युष पाटनकर ने भी खुशी जताई। आज तारीख 1 जून 2024 के दिन वडोदरा स्थित मर्क्यूरी ईवी टेक कंपनी के मालिक और प्रोप्राइटर श्री जयेश भाई ठक्कर साहब ने अपने जन्मदिवस के शुभ अवसर पर वडोदरा के श्री सयाजीबाग जू और गुजरात राज्य के चारों कॉरपोरेशन के अंडर आने वाले चारों जू यानी कि अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा को दो प्रति जू दो दो इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके CSR के अंडर डोनेट किए हैं। मैं श्री जयेश भाई साहब का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, आभारी हूँ, जो आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्होंने जो एक इतनी सुंदर और एक अनोखी एक्टिविटी उन्होंने करी है कि जू के प्राणी पक्षियों की जो देखरेख के लिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो उन्होंने दिए हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो जू के आंतरिक उपयोग के लिए काम आएंगे। और जू के अंदर हमारे सभी जू में एक फूड स्टोर और किचन होता है जहाँ से प्राणी पक्षियों के लिए खाना पहुँचाया जाता है। इन व्हीकल्स का उपयोग इन फूड स्टोर किचन से तमाम पिंजरों तक खाना पहुंचाने में किया जाएगा। गुजरात की वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में गोरवा दशामा तालाब की ब्यूटिफिकेशन और गार्डन बनाने की अनुमति सरकार द्वारा दे दी गई है। वडोदरा की गोरवा लक्ष्मीपुरा रोड पर दशामा मंदिर है जिसकी स्थिति काफी खस्ता हाल है। लंबे अरसे से तालाब के ब्यूटिफिकेशन की मांग की जा रही है, जिस पर जानकारी देते हुए सयाजगंज विधायक केयूर रोकड़िया ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस तालाब के ब्यूटिफिकेशन और गार्डन के लिए अनुमति दे दी है। गोरवा विस्तार नी अंदर दशामा मंदिर पोते एक अगत्यनु महत्व धरावे छे। गणपति विसर्जन होय, दशामा नी मूर्ति नु विसर्जन होय, आ विस्तार नी अंदर मध्य नी अंदर मोटू तळाव अने ए पण आर्टिफिशियल लेक तरीके दशामा तळाव नो उपयोग थाय छे। हाउसिंग बोर्ड की जगह में जो दशामा तला आयु है तेरे अमे हाउसिंग बोर्ड जोड़े अने माननीय मुख्यमंत्री श्री जोड़े अरजी पन करी है कि आपना मध्यम थी आ कॉर्पोरेशन ने तला मड़े अने त्यार बाद कॉर्पोरेशन आखू तला डेवलप करे बाग बगीचा सहित तो आ विस्तार ना नागरिकों ने सुविधा में वधारो थाय एम छे। हाउसिंग बोर्ड की जितनी जगह गोरवा विस्तार में आई है त्या बधी कम्पाउंड वॉल करवानुं मारुं सूचन हतुं ने मुजब आज कम्पाउंड वॉल थी रही है। भविष्यनी अंदर तमाम झूपड़पट्टी विस्तार दूर थशे अने दरेकने मकान मळे अने झूपड़पट्टीओ दूर थाय आ विषयनी अंदर सरकार काम करवानी छे। आ विस्तारने एक सारो स्वच्छ सुंदर विस्तार बनावानुं आयोजन पार्टी अने सरकारे कर्युं छे। राजकोट अग्निकांड के बाद हरकत में आए गुजरात के वडोदरा के डभोई नगरपालिका द्वारा भी फायर सेफ्टी की चेकिंग की गई। गुजरात में जब भी कोई दुर्घटना घटती है कुछ दिन सरकार, पुलिस, प्रशासन हर कोई हरकत में रहता है। कुछ ऐसा ही डभोई में देखा जा रहा है जहां डभोई नगरपालिका द्वारा फायर सेफ्टी की चेकिंग चल रही है। सभी इलाकों में बहुमंजिला इमारतों समेत की प्रॉपर्टी में फायर सेफ्टी की जांच की जा रही है। फायर सेफ्टी सुनिश्चित नहीं होने पर गुजरात फायर प्रिवेंशन लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट 2013 के नियमों के तहत लगभग 30 लोगों को नोटिस दिया गया है, जिससे डभोई नगर पालिका के लोगों में हड़कंप का माहौल है। डभोई नगर पालिका खाते फायर नो इंस्पेक्शन चाली रही है कारण के यहाँ घनी बड़ी भी इमारतों जहाँ फायर ना इंस्टॉलेशन लगाया नहीं तेने जोता हाल वडोदरा डिस्ट्रिक्ट की हूँ अभिषेक सावंत स्टेशन फायर ऑफिसर इंस्पेक्शन माटे आवी रह्यो छूं। जे जगह फायर इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट है अने फायर एनओसी की रिक्वायरमेंट है त्या अमारा द्वारा नोटिस आपवामां आवी रही छे। तो लोकेशन वाइज शेड्यूल प्लान करेलू छे अने शेड्यूल हिसाब थी अमे लोको फोकस में आई रहा है। अने एवुं नथी के आ जे राजकोट में सीन थयुं छे तेने जोता अमे आ जे तमने देखाई रह्या छे पहेलाथी अमारुं नोटिस नुं प्रोसेस चाली रह्युं हतुं। जस्ट सीन एटलुं छे के राजकोट पछी अमारुं फोकस वधारे देखाई रह्युं छे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसमें गैंगरेप करने वाले तीनों बदमाश भी नाबालिग हैं। मंदसौर के भानपुर थाना क्षेत्र में गणेशपुरा गांव में घर से शौच के लिए जा रही 16 वर्षीय नाबालिग को तीन बदमाशों ने अगवा कर लिया और सुनसान जगह ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया।
ताज्जुब की बात यह है कि गैंगरेप करने वाले तीनों लड़के भी नाबालिग हैं। इस मामले पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सभी बलात्कारी नाबालिगों पर कानूनी कार्यवाही की है। 29/5/24 को गणेशपुरा से एक कंप्लेंट आई थी नाबालिग बच्ची के द्वारा, तो उसके साथ तीन लोगों ने मिलकर बलात्कार किया है। उस पर से जो घटनाक्रम रहा है वो सोच के लिए जाने की सुबह, तो वहाँ पे पहले एक आरोपी आया जिसने उसका अपहरण कर उसको घर पे कमरा मार दिया और उसके बाद उसने फोन करके अपने दोनों साथियों को बुलाया। तीन लोगों ने मिलकर बालीमारी से उसने बलात्कार किया, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने पर की, जिस पर से तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। विश्व के आठवें अजूबे स्टैचू ऑफ यूनिटी के सफारी पार्क में पशु पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसे देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। गुजरात के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्टैचू ऑफ यूनिटी में जंगल सफारी भी मनाया गया है। 375 एकड़ में फैले जंगल सफारी में देश विदेश के सैकड़ों पशु पक्षियों को रखा गया है। उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए अलग अलग आयोजन भी किए जाते हैं। इन दिनों गर्मियों का मौसम है, ऐसे में पशु पक्षियों की खास देखभाल की जा रही है। सभी पशु पक्षियों को खास डाइट प्लान के तहत ही भोजन दिया जा रहा है। विदेशी बंदरों के लिए अलग अलग फलों के रस और फ्रोजन फ्रूट के आइस क्यूब और पॉप्सिकल्स बनाकर उन्हें दिए जा रहे हैं। पशु पक्षियों को गर्मी से राहत देने के लिए एयर कूलर, एयर कंडीशन, पंखे समेत की आधुनिक व्यवस्थाएं भी यहां देखने को मिल रही हैं। बर्ड एवियरी में और कई पिंजरों में खास स्प्रिंकलर लगाकर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे पशु पक्षियों को गर्मी से राहत मिल सके। सभी पिंजरों में छोटे बड़े तालाब बनाए गए हैं, जिससे पशु पक्षी खुद अपने आप को गर्मी से राहत पहुंचा सके। इस मामले जंगल सफारी के विपुल चक्रवर्ती ने विशेष जानकारी दी। जैसे आप लोगों को मालूम है कि गर्मी का मौसम चल रहा है और मई सबसे गर्म मौसम माना जाता है, जो कि फिर जून में मॉनसून से फॉलो अप होता है। तो इस मई महीने में हमारे यहाँ पे विभिन्न देशों से जो पक्षी और दूसरे जीव लाए गए हैं दर्शकों के लिए यहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं, तो उनके रखरखाव में हम लोगों को काफ़ी वेरिएशंस करना पड़ता है, जिससे कि गर्मी से इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो जिस तरह ह्यूमंस में हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, डेजर्ट कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इन जीव जंतुओं के लिए भी एसी का भी प्रोविजन किया गया है, डेजर्ट कूलर्स का भी प्रोविजन किया गया है। माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करने के लिए मिस्टिंग्स और उस तरह से वाटर स्प्रेज किए जाते हैं, खासकर पक्षियों के पिंजरों में, जिससे कि वहाँ का एक तापमान एक निर्धारित उसी में मापदंड में रहे और वहां पे एनिमल्स को कोई दिक्कत ना हो।